Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Hello friend, welcome back in my channel. आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर ये रेयन फैब्रिक लिया हुआ है. तो इसमें सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे. तो टॉप पार्ट के लिए कपड़े को हम विड्थ में 4 फोल्ड करके रखेंगे. ये विड्थ में कपड़ा डबल फोल्ड है इस तरह से. इसे हम एक फोल्ड और करेंगे यहाँ, और यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे इस तरह से रखते हुए. अगर आपकी चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आप लेंथ में निकाल सकते हैं. इसमें 36 चेस्ट साइज़ तक विड्थ में आ जाएगा. यहाँ से देखिए जो इसकी विड्थ है 4 फोल्ड में वो 10.5 इंच की है. तो 36 का 1/4 9 इंच होगा और 1.5 इंच हमारा मार्जिन बच जाएगा. ऊपर से इसे बराबर कर लेंगे और यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे. तो लेंथ मुझे 15 इंच मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ. ये बनने के बाद 14 इंच की रेडी होगी. तो नॉर्मल जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो हम 14 इंच रखते हैं. और इसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे. इसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे. ऊपर से भी कपड़े को बराबर कर लेते हैं. इसके बाद इसमें शोल्डर मार्क करेंगे. तो शोल्डर के लिए मैं इसमें 6 इंच मार्क करूँगी. यहाँ पे मैंने 6 इंच मार्क किया. आर्म होल के लिए मैं इसमें 6.5 इंच मार्क करूँगी. दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, एक सीधी लाइन बना लेंगे. इसके बाद हमें चेस्ट मार्क करनी है. तो मैं इसे 36 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ. उसका 1/4 होता है 9 इंच और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे. तो मेरे पास यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन है. टोटल मैंने 10.5 इंच ले लिया है. वेस्ट में 30 का बना रही हूँ. तो 30 का 1/4 होता है 7.5 इंच. 1 इंच हम लेंगे इसमें प्लेट्स बनाने के लिए और इसके बाद 1.5 इंच का हमारा मार्जिन होगा. तो यहाँ पे मैं 10 इंच मैंने ले लिया है वेस्ट के लिए. इसके बाद आर्म होल में गोलाई देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे गोलाई देंगे. फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर से इस तरह से निशान बना लेंगे. इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है. तो नेक विड्थ मैं इसमें 3 इंच मार्क कर लूँगी. यहाँ मैंने 3 इंच मार्क किया. नेक डीप फ्रंट के लिए मैं इसमें 5.5 इंच मार्क कर रही हूँ. इसमें हम राउंड शेप देंगे. बैक नेक की मार्किंग अभी बाद में करेंगे. शोल्डर पे 1/2 इंच की स्लोप मार्क करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे. अभी इसमें से हम एक पार्ट हटा लेंगे. यहाँ पे छोटा सा कट बना लेते हैं. इसमें से एक पार्ट हटा लेते हैं. बैक का होगा वो और ये फ्रंट का होगा. इसको फिर से इसी तरह से रखेंगे और इसकी नेक और आर्म होल हम कट कर लेंगे. तो ये फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है. अभी बैक का पार्ट ले लेंगे और बैक नेक मार्क करेंगे. तो बैक नेक जो है वो मैं 9 इंच डीप रखूँगी. आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं. 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे गुलाई देंगे. इसके बाद इसे कट कर लेंगे. तो ये बैक का पार्ट भी हमने कट कर लिया है. अभी इसका हम बॉटम कट करेंगे. तो जितना बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम खोल के लेंथ में डबल फोल्ड करके रखेंगे. इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया. इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से. हमने इसे फोल्ड कर लेना है. और इसके बाद कॉर्नर पे हमें वेस्ट मार्क करनी है. तो जिस भी वेस्ट साइज़ का आप बना रहे हैं उसका 1/4 लेना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है. तो मैं टोटल यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ 30 वेस्ट साइज़ के लिए. इस तरह से दोनों कॉर्नर पे निशान बना लेंगे. ऊपर से जो इसकी लेंथ है वो 11 इंच की आ रही है. तो 11 इंच को इस तरह से हम गोलाई में मार्क कर लेंगे. यहाँ मैंने मार्क किया. उसके बाद हमें टोटल लेंथ मार्क करनी है.
तो 14 इंच का हमारा टॉप का पार्ट है, 14 इंच ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ जितनी भी लेंथ रखनी है उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 46 इंच पे मार्क कर रही हूँ और वेस्ट से जो इसकी लेंथ है वो 31 इंच की है, तो 31 इंच को इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। वेस्ट से भी हम इसे कट कर लेंगे, तो ये बॉटम का पार्ट भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे, तो यहाँ जो बचा हुआ फैब्रिक है वहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव के लिए देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है, इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेंगे। और विड्थ है इसकी, जितनी आर्म होल ली थी उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो यहाँ पे 9 इंच तक मैं इसे 4 फोल्ड में मैंने रख लिया है। अभी लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो स्लीव की जो लेंथ है वो मुझे 15 इंच की रेडी चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैंने 16 इंच मार्क किया है, नीचे से भी 16 इंच मार्क करेंगे। अभी यहाँ से 3 इंच मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे, इस तरह से स्लीव की शेप मार्क करनी है। यहाँ स्लीव राउंड मार्क करना है, तो 7.5 इंच में मार्क कर रही हूँ, इस तरह से शेप मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स भी हमने कट कर ली हैं। अभी फ्रंट स्लीव में 1/2 इंच की गहराई मार्क करेंगे, तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और ऊपर की 2 लेयर्स को पकड़ते हुए इसे हमें कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है, ये फ्रंट का पार्ट है। इसकी एजेस को सिंपली हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे, तो ये फ्रंट का पार्ट है। अभी कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से और टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है और बिल्कुल बराबर से रखते हुए नेक की शेप हम इस पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद स्ट्रिप के लिए 1 से 1.5 इंच लेते हुए स्ट्रिप हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट की स्ट्रिप हमने कट कर ली, बैक के लिए भी स्ट्रिप को इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे और नेक को इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर से। इसमें भी बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है और बिल्कुल बराबर से रखते हुए यहाँ नेक की शेप हम मार्क कर लेंगे। 1 से 1.5 इंच कपड़ा लेते हुए स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। तो स्ट्रिप हमने कट कर ली है, इसके बाद हम इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो खोल के रख लेंगे, टॉप पार्ट को सीधी साइड से रखा है और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी कपड़े को खोल के रखेंगे सीधी साइड से और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अभी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। बैक पार्ट में भी छोटे छोटे कट्स बना लेंगे। और इसके बाद स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की साइड टर्न करके हम सिलाई लगा लेंगे
और यहाँ शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के स्ट्रिप को फोल्ड करके अंदर की साइड रखना है और बैक पार्ट की जो स्ट्रिप है उसको फ्रंट पार्ट के ऊपर ओवरलैप करके रखना है। इस तरह से देखिए रखना है, और जो बैक पार्ट की स्ट्रिप है उसको इस तरह से फोल्ड करके रखें। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर स्टिच कर ली है, तो शोल्डर मैंने स्टिच कर ली है। अभी देखिए हम यहाँ प्लेट्स के निशान लगाएंगे, तो शोल्डर से 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से 3.5 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए हम निशान बना लेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से टैप करते हुए ये निशान हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। और ठीक इसी तरह से बैक पार्ट में भी निशान बना लेंगे। और यहाँ पकड़ते हुए इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और बैक पार्ट में मैंने ये लटकन भी अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे, तो स्लीव्स की एजेज को फोल्ड कर लिया है। अभी इसका सेंटर मार्क कर लेंगे स्लीव का, इस तरह से यहाँ सेंटर पे एक छोटा सा कट बना देते हैं। और इसके बाद फ्रंट साइड की स्लीव हमें फ्रंट साइड में अटैच करनी है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से टॉप पार्ट हमारा रेडी है, अभी बॉटम इसका इसमें अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसकी घेर को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है और इसकी घेर में मैंने लेस अटैच कर ली है। ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।